नमस्कार, आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। कल कुछ बच्चों ने लिखा आवाज आवाज, वो स्टार्टिंग है, दो पांच मिनट हुआ था सही हो गया था। कुछ यूट्यूब में एरर होता है कुछ, कि जब अपलोड करते हैं उसके पांच मिनट तक वीडियो थोड़ा सेट होता है। बट हाँ, दैट वाज अ लेक्चर फ्रॉम वरुण बैच और बहुत मजा आया वो आपको देखकर। जिन बच्चों ने वो नहीं किया है, जिन बच्चों ने कर लिया है उनको भी अब समझ चुके हैं कि हमें कन्वर्जेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी वो लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नया सीखने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं लेकर भी आऊंगा कि व्हाट यू हैव टू डू इन द लास्ट मिनट्स फॉर द जेई। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इस की हम बात करें तो आज कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत फाड़ू सवाल है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये सवाल है, ये कहीं ना कहीं जेई एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। मतलब सर, जेई एडवांस के अंदर सवाल आया था साइक्लोबुटानॉन पे। उन्होंने क्या किया था, C6H12O दिया, ग्रेनेड डाला, पी बनाया, पी के बाद ऐसे रिएक्शन करते चले गए वो लोग। ठीक है, पी बनाया, सेम ऐसा कुछ सीक्वेंस था, HBr था, HCl था, HCl था, एक में एलिमिनेशन किया, फिर HBrH2 था, फिर Br2H2 आया, H2 निकला ऐसे था। कहीं ना कहीं इन्हीं से रिएजेंट्स थे बहुत सारे। उसी सवाल से इंस्पायर्ड होकर ऐसा सवाल बनाया, वो सवाल था बहुत ईजी बट आपको आना चाहिए था। हिंट अब ये लिया, करेक्ट पूछा है, देखो रिएक्शन के साथ आइसोमेरिज्म पूछ लिया। PBr3 हमें पता है, साथ में क्या बनेगा, H3PO3, ये बन गया। 2-bromo-butane सेंट्रो काइरल है, एक्स में भी काइरल था। सर कहाँ पूछा है, कोई बात नहीं पूछा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। TBONA डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी, एक चिल्ला रहा है हॉफमैन रैपिड में लूंगा उल्टा। हॉफमैन आंसर बनाने की बात करना, क्लास में भी बताया कि अगर यहाँ पीएच कर दिया तो आंसर यहाँ आएगा, डबल बीच में आ जाएगी। ये हॉफमैन जो है ना तुम्हारा, ऐसा उल्टे घुस जाएंगे। ये लिया HBr R2O2 परोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एडवांस परस्पेक्टिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपके अभी 23 के अंदर भी HBO पूछा गया, हाइड्रोपोजिशन पूछा गया। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ काम हो रहा है और उल्टा काम करके किसी भी तरफ एंटर कर सकते हैं आप। ये लिया NaOH, एल्किन की स्टेबिलिटी, H2 निकल, ब्यूटेन, Br2HNO2 जहां डॉट स्टेबल है, ये सेंटर HBO। अब यहां HBO से आप इसलिए बच जा रहे हैं कि आप कहीं भी बना ले बात बराबर है, बिकॉज यहाँ मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्को वैलिड नहीं है, बिकॉज बहुत कंपाउंड सिमेट्रिकल। तो OH अब क्या पूछा है, देखो सारी चीजें सॉल्व कर ली। XNW वेयर इज X, बोला था 155 में छूट गई। XW बराबर है, चेन आइसोमर तो बिल्कुल भी नहीं है। R and U 2-bromo-1-bromo पोजिशन आइसोमर्स, बिल्कुल सही बात है। P and U आइडेंटिकल पोजिशन आइसोमर्स, बिल्कुल भी नहीं है। R and P पोजिशन आइसोमर्स, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर हुआ बॉम्बे एंड दिल्ली, आंसर हुआ बॉम्बे एंड दिल्ली। तो आप लोगों को इससे सबक मिलता है कि आपको देखो इस पर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन एक सवाल में आ गई, उनके साथ साथ स्टीरियो मैंने बता दिया और उन्हीं के साथ साथ उसका आइसोमेरिज्म में क्या यूज होता है वो आ गया। तो एडवांस के ही सवालों से इंस्पायर्ड है, आगे आप सवाल करेंगे तो और अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। लास्ट में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, कोई यहाँ वीडियो पर स्पैम ना करेगा यार, मैं क्लियर बोल देता हूँ। कल भी एक बच्चे ने किया था, मत करो स्पैम, तुझे नहीं देखना तू मत देख, तुझे वरुण ने देखा हुआ है तो तू वहां जाकर कन्वर्जन कर। तेरे से पहले ही कह रहा हूँ, अगर तू कन्वर्जन ढंग से कर, मैं आज तुम्हें भी बोल रहा हूँ कि जिन जिन बच्चों ने वरुण के कन्वर्जन ईमानदारी से किए, मैं प्रॉमिस आज लिख के दे सकता हूँ, तुम जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे IIT जाओगे इस बात को याद करोगे, सर आपने सही कहा था वो कन्वर्जन कर लिए हम जीत गए। क्योंकि उस समय अभी इस समय रिएजेंट्स की बहुत जरूरत है, कौन क्या करता है एंड ऑल, ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगला, द मेजर प्रोडक्ट वाला बात कर रहा है, आइए लेट डिस्कस। ये लिया बेस डाला, कोई भी बेस, तो पहले इस कंपाउंड को बना लो, 4CH2 है, ये
बेस डाला है तो बेस आएगा एसिड बेस करेगा यहां से एसिड बेस H प्लस क्या लेगा H प्लस निकालेगा बहुत तगड़ा एसिडिक एच है क्योंकि दोनों विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्योंकि अब बेस भी लेना पड़ेगा मिडिल ले लो कोई बेस ले लो यहां ये निकाला क्या होगा बेटा एक दो तीन चार एक दो तीन चार फिर यहां बना नेगेटिव चार्ज COOH दुनिया का कोई भी बेस आओ चाहे न्यूक्लियोफाइल है सबसे पहले क्या करेगा एसिड बेस हो गई ऐसे पाई स्टार कहीं है क्या नहीं सर एसिड सिग्मा स्टार हाँ सर है एक दो तीन चार पांच की रिंग तो पाई मेंबर रिंग एक कार्बन पे दो COOH कई बच्चों के इसमें ये डाउट आएगा सर हमें तो ये समझ में पड़ा कि पहले आपने यहां से को निकाला हमने SN2 कर दिया वो कर दिया अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए बेस दिया ना एसिड बेस करनी है और दिमाग में आ जाना चाहिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिखा भी होता ना तो पहले एसिड बेस है क्या हाँ है मैंने आपको हमेशा पढ़ाते वक्त भी एक ही सीक्वेंस बोली एसिड बेस पाई स्टार सिग्मा स्टार बोला क्लियर कट ये लिया तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती भाई लोग हाइड्रोलिसिस तो हाइड्रोलिसिस का करोगे तो क्या बनेगा बेटा COH COH प्लस दो मोल इथेनॉल एक कह रहा है सर आपकी कड़वी बातों को सुन के क्या मैं इसको कंज्यूम कर लूं लिटिल लिटिल हो जाए लिटिल लिटिल अच्छा लग रहा है मेरे को आज नहीं इथेनॉल लेके नहीं कुछ नहीं चलो हीट किया हीट करने पर एक कार्बन पे दो COH एक छोटू बाहर हो जाएगा ये रहा बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर अलोंग विद द टू मोल ऑफ इथेनॉल हाँ 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 एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड सवाल एनसीईआरटी में ये HCl NaCl दे रखा है आपको मैं बताना चाहूंगा NaCl H2SO4 चल जाएगा NaI H2SO4 नहीं चलेगा लिखा है एनसीईआरटी में क्यों नहीं चलेगा क्योंकि ये खुद I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमने पढ़ा है कि भैया NaI नहीं चलता H2SO4 हाँ तो एक तरह से ये है क्या सर क्या ये कौन है ये न्यूक्लियोफाइल है Cl- Na+ का कोई रोल नहीं है H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H+ अच्छा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियो ये हीट क्यों दिए ताकि HCl जो बनेगा HCl वो टूटता रहे NaCl अपनी फॉर्म में रहे या आपस में रिएक्ट कम करे रिएक्शन को प्रोसीड करे तो H+ जाएगा सबसे पहले NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है ये लिया अब आप में से कई सारे बच्चे यहां प्लस बनाएंगे रीअरेंज करेंगे और ये आंसर बना ये नहीं ये आंसर बना देंगे गलत आंसर है ये भी गलत है क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं ये प्राइमरी अल्कोहल है यहां पर Cl- का सीधा अटैक और ये बाहर सो तो आंसर विल बी कलकत्ता तो सर OH ने अटैक क्यों नहीं किया OH है कहां जो अटैक करेगा OH निकाल के OH अटैक करा दोगे वाह मेरे सर पानी निकाल के पानी का अटैक कराते हम गधे हो क्यों मुझसे निकलवा रहे हैं सिंपल SN2 मैकेनिज्म है ना बेटा इसमें ये भी होता ना ब्रांच वाला तो भी मैं SN1 की ट्राई करता पर वो भी मतलब मुश्किल है मतलब कहां करना होता है वो देखना होता है इस सवाल को छोड़ दो यार छोड़ दो चलो ठीक है कोई नहीं इन दोनों में डाउट आ सकता है आप एक काम करें इसको छोड़ दें इन चारों को देखते हैं Me3CO- MeO- अब आपको भी पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ हिंड्रेंस भी कम चाहिए होता है यहां पे सब अल्काइल ग्रुप से तो यहां हिंड्रेंस विल बी मोर प्रायर टू द देन मोर प्रायर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सो यहां पर सबसे इजी अटैक जो होगा वो होगा MeO- का दो नंबर का फिर होगा तीन नंबर का फिर अब चार और पांच को रख देते हैं 4 और 5 देन आएगा 1 नंबर का क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर मैं आपको 4-5 बताना चाह रहा हूं कुछ नया कॉन्सेप्ट है ये सब आपके लिए बिल्कुल नया होगा बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है ये पर क्या इसमें फंसा रखा है कहीं पे हाँ इन दोनों ऑप्शन में फंसा रखा है चलो अब मैं आपको समझाता हूँ रियल कॉन्सेप्ट आंसर इन दो में से एक होगा आइए इन दो में से कैसे करते हैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लास्ट ईयर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक कमरे का गेट है गेट एक उस गेट में 10 लोगों की लाइन लगी है मंदिर का गेट है ठीक है मंदिर का गेट है दर्शन बंद है दर्शन खुलेंगे तो आप मुझे बताइए जो लोग बाहर खड़े हैं
वो सौर है उस गेट पे आके इस तरीके टूट जाए और फिर जैसे गेट खुले तो अंदर घुसे वो मच बेटर रहेगा, या एक सिंगल लाइन अंदर जाएगी तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से दर्शन करने के लिए और एक व्यवस्था एक इजीली दर्शन कर पाएगा वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली तुम्हारे मन में चल रहा होगा तो लाइन में होगा, आराम से लाइन में जाएगा तो दर्शन हो जाएंगे सारे। बिल्कुल वैसा ही हुआ इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर बाकी कोई फर्क नहीं। आप देखो ये इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों टू डिग्री बिल्कुल सेम है, बस एक में ये पार्ट क्लोज है एक में ये पार्ट ओपन है, बस इतना ही फर्क है ना बेटा। कैसे चेक करें फिर सर हम कैसे चेक करें? तो इन दोनों में ये देखो कि वो पीछे से बंद है, मतलब इसका एरिया काफी कम है। अब देखो रिंग बन गई ना बेटा, रिंग ऐसे रिंग पे ऐसा ना ये ऐसा सकते रिंग ओ माइनस, रिंग का एरिया छोटा एक तरह से ऐसा हो गया ऐसा। तो एज ए लीनियरिटी इसको बोलते हैं बैक स्ट्रेन एफ, मतलब नहीं बोलूंगा बी स्ट्रेन, इतना बोल सकता हूं कि इसके बन रिंग बनने के कारण एरिया छोटा हो गया, तो इजीली अप्रोच हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अच्छा हो जाएगा ओपन चेन के मुकाबले। ओपन चेन में बहुत सारी जगह समझ रहे ना, इधर ये भी ओपन sp3 ये भी sp3 खुले हैं ऐसे उड़ता फिर, इसीलिए रिंग वाला बेटर है। जिस बच्चे को कम समझ में आया हो वो को छोड़ भी सकता है 2 3 5 4 1 छोड़ सकते हो। ये बेहतरीन सवाल है, क्लास में कराया हुआ सवाल है, इनके लिए ग्राफ भी बनवाए थे मैंने। ये चारों अलग अलग टाइप की एसिड समझ लेना है, ये चारों अलग अलग टाइप की SN2 रिएक्शन है। यहां न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल RX, न्यूक्लियोफाइल मतलब अनायनिक मतलब चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल RX, चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला RX, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल RX, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चार्ज वाला RX। समझ में आया मैं क्या बोला जा रहा हूं? चारों अलग अलग केसेस हैं, चारों में अगर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करे, सोचना मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि ये अटैक करेगा यहां पर ये निकलेगा तो आई पे क्या आ रहा होगा? सर माइनस चार्ज आ रहा होगा, इसका माइनस धीरे धीरे क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा, कम हो रहा होगा बिकॉज ये बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें क्या हुआ होगा? OH SN3 ट्रांजिशन स्टेट, यहां क्या होगा? डेल्टा माइनस, ये चार्ज बढ़ रहा होगा तो ये निकल रहा है, ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, पर है क्या अल्टीमेटली? इसको बोलते हैं ये एनायनिक इंटरमीडिएट है कि नहीं, एनायनिक TS, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं, एनायनिक TS, कि दोनों चार्ज माइनस वाले हैं तो ओवरऑल इसका चार्ज कैसा हुआ? नेगेटिव वाला। कैन आई से इट्स ट्रांजिशन स्टेट को मैक्सिमम स्टेबलाइज जो है वो आपका पोलर प्रोटिक करेगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक जो है वो नेगेटिव को घेरता है, पोलर प्रोटिक तो घेरता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी ने कहा साउंड में प्रॉब्लम है, भाई मेरे पास यही साउंड और कोई इसके अलावा क्या साउंड, इससे अच्छा अच्छा ना उससे तो बेस्ट है यार। ये लिया इस वाले में, अभी दोनों में चार्ज है। अगर हम बात करें ट्रांजिशन स्टेट की, ये यहां पे चार्ज फुल है, यहां चार्ज बहुत कम हो रहे होंगे बिकॉज ये टूट रहा होगा तो प्लस चार्ज खत्म हो रहा होगा, ये जुड़ रहा होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा, अल्टीमेटली चार्ज बहुत कम हो रहे हैं। इस वाली ट्रांजिशन स्टेट को मैक्सिमम स्टेबलाइज जो है आप यहां पे पोलर प्रोटिक मीडियम ले ही नहीं सकते। अगर आपने PPS ले लिया तो इसको घेर लेगा, इसको भी घेर लेगा तो रिएक्शन को होने नहीं देगा, इसीलिए पोलरिटी बनाने पर इसकी रिएक्शन की रेट बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि यहां चार्ज कम है यहां चार्ज ज्यादा है, समझे? ये लिया तो खुद सोचो क्या हुआ, ऐसे सोचना आपको प्लस एक पोज। अच्छा कितनी अजीब बात है, ये दोनों न्यूट्रल हैं लेकिन ये दोनों आपके चार्ज वाले हैं, यहां चार्ज बढ़ रहा है, यहां चार्ज बढ़ रहा है, बेस्ट है। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो ऐसा ऑप्शन है जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे तगड़ा स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, बिकॉज प्लस भी है माइनस भी है, इनपे कोई चार्ज ही नहीं है भाई साहब, यहां तो फिर भी हमारी हालत खराब हो जाएगी, अनायनिक न्यूक्लियोफाइल है। यहां बात करें तो यहां पे क्या होगा, NH3 पे क्या आ रहा होगा? प्लस चार्ज आ रहा होगा, कार्बन बन रही है, ये हट रहा होगा, यहां से प्लस गायब हो रहा होगा, लेकिन अब आपको जो सवाल पूछा है देख चेक कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि चारों SN2 रिएक्शन में से कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ओनली अनायन एज ए पार्शियल चार्ज है, तो ओनली अनायन कहां है? आगरा में, यहां दोनों है यहाँ पे ओनली कैटायन है, फिर वहां ओनली कैटायन होता तो आंसर ये होता, समझो ये क्लास का सवाल चेक कर लेना।
भावड़ी पूछो, तुम्हारी आदत है ऐसे सवालों करने की, इन्हें दो मिनट भी याद जोड़ दो तो भी तुमसे गलत होगा। सर फिक्स है डाइस टीवी में गलत आंसर, देखो मैं तो भाई चेक कर लेता हूँ बना के बी आर। और एक और क्या बनेगा, ये तो कॉन्स्टेंट रहेंगे डैश में बी आर वेज में बी आर। क्या ये दोनों के दोनों क्या है, तो क्लियर कट जो आंखों से अंधे हैं वो भी बोल सकते हैं सर बीच मिरर रखोगे तो ये मिरर इमेज बन रहे हैं एग्जैक्टली। तो दे आर इनेंशियोमर, दे आर नॉट डाइस्टियोमर, दे आर इनेंशियोमर। कभी भी ये देख के जजमत किया करोगे अरे डाइस्टियोमर इनेंशियोमर है। राम राम राम। के टू सी ओ थ्री, ये सवाल सोचो जेई मेंस में आ गया लास्ट ईयर, लास्ट ईयर 2020 या 2021 में आया था। ये के टू सी ओ थ्री क्या है सर, ये के टू सी ओ थ्री क्या होता है, अरे के ओ एच है पानी में, एक्वस के टू सी ओ थ्री क्या हुआ, के ओ एच तो हुआ एस टू सी ओ थ्री, के ओ एच क्या बन जाएगा फिनोक्साइड आयन। एरोमेटिसिटी को बिना डिस्टर्ब किए सीधा 1 डिग्री पर टेक होगा। अब इसमें दो चांस है, या तो यहाँ टेक कर लो या 3 डिग्री पर टेक कर लो ऐसे शिफ्ट करके, तो कौन सा सही है सर, 3 डिग्री पर एस एन टू क्यों करेंगे, 1 डिग्री पर एस एन टू करेंगे, तो आंसर विल बी 1 डिग्री पर एस एन टू और ओ माइनस ही करेगा और कुछ नहीं करेंगे। ओ कार्बन डबल बॉन्ड, दैट्स इट, ये आंसर है। देखो यहाँ पे 3 डिग्री से करा रखा है, नहीं होगा ये 1 डिग्री, कैलकाटा करेक्ट आंसर। यहाँ रिंग से करवा दिए हैं, रिंग से तो नहीं होगा बिकॉज एरोमेटिसिटी वापस कौन लाएगा फिर कौन। अब जैसे ऐसे सवाल मेंस में नहीं, एडवांस में नहीं आते, बस तुम्हें सबसे आप क्यों लाए ऐसा सवाल, आप तो मना कर रहे थे। मैं लैंग्वेज सिखाना चाह रहा हूँ कि ये लाइट डार्क का क्या मतलब है, ये समझाना चाह रहा हूँ। कल को एक ऑप्शन में लिख के आ गया ना तुम फंस जाओगे, आप समझो। जब मैं सवाल लेके आता हूँ ना, ये सोच के लेके आता हूँ कि इनको कैसे इनको समझाया जाए चीजों को, कौन सा कंपाउंड लाइट में भी रिएक्ट कर सकता है और डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है, अंधेरे में भी और उजाले में भी। सर ये कौन सी रिएक्शन है, ये लाइट का मतलब हो गया एच न्यू और डार्क में हो गया आपका CCl4 या कोई भी आपका सॉल्वेंट, समझे। तो अच्छा ये दो रिएक्शन हो गई, Cl2 CCl4 सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये हो गई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोनों कौन कर सकता है, अब ये वाला है तो ये लाइट में रिएक्ट करेगा एच न्यू से आराम से बिंदास करेगा, तो ये डार्क में रिएक्ट नहीं करेगा, ये CH2 कर देना। ये वाला लाइट से रिएक्ट करेगा यहाँ पे अलैलिक पोजीशन पे, ये डार्क में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, बिल्कुल करेगा। ये वाला ना लाइट, ये लाइट पे करेगा डार्क में नहीं करेगा, ये वाला लाइट में भी करेगा डार्क में भी करेगा। लाइट में आपको पता ही सिंपल, एक डार्क में कैसे कर जाएगा, याद करो जीओसी के पन्नों को। मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया कुछ कंपाउंड ऐसे हैं सिग्मा बॉन्ड, इसकी कहने को बॉन्ड सिग्मा होती है, बिहेव लाइक पाई बॉन्ड, ये कहने को सिग्मा बॉन्ड है पर ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है ऐसे, याद करो। इसीलिए आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था, एक इंटीजर करवाया था मैंने, मुझे याद आ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ब्रोमीन फोटो टेस्ट पॉजिटिव ब्रोमीन फोटो टेस्ट। उसके अंदर आपको मैंने यही बताया था कि भैया साइक्लोप्रोपाइन भी आंसर में था, क्यों था, क्योंकि कहने को सिग्मा है पाई की तरह बिहेव करेगा, ये बॉन्ड टूटेगी एंड आंसर विल बी दिस वन, यहां सीएल 1,3-dichloropropane, दैट विल बी आंसर। कैलकाटा एंड दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अब मैंने यहां आपको कहा ना नहीं पूछो, पर इसमें चार अलग अलग चीजें पूछी तुमसे, चार क्वेश्चन पूछूंगा मैं, एक क्वेश्चन अगर उम्मीद करे तो बहुत गलत है। कौन सा ऐसा पेयर जिनमें दूसरे की रेट ज्यादा है पहले से, SN1 के लिए, SN1 के लिए 1 डिग्री 1 डिग्री, जब डिग्री सेम हो तो डिसोसिएशन चेक करते हैं। यहाँ ये दोनों पुश करके लात मारेंगे इसको, NCERT का सवाल, जेई मेंस का आया हुआ सवाल, चेक कर लेना। तो फर्स्ट की रेट ज्यादा होगी सेकंड से, कोई अगर गधा ये बोला 3 अल्फाइट या 1 अल्फाइट तो जीत जाना चाहिए, गधे हो तो। मेंस का भी आया हुआ सवाल, सोचो मेंस से आया हुआ सवाल चेक कर लेना प्रीवियस ईयर में। कैटायन बनाया, रेजोनेंस 2 बार, रेजोनेंस 1 बार, अल्फा जी दिया 1, नो अल्फा एच, 4 अल्फा एच, 2 डिग्री 3 डिग्री डेट जी दिया, डायरेक्ट हो गया 4 अल्फा एच 2 डिग्री 1 डिग्री, दैट सेट जी दिया। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरे की रेट ज्यादा है दिल्ली, कौन सी रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। सर आप आइसोमेरिज्म क्यों पूछ रहे हो, क्या मतलब बेटा, फिर सवाल आप एडवांस सवाल चेक करो,
लास्ट ईयर तो रिएक्शन के बेस पर दो तीन सवाल थे, दोनों तरह में स्टीरियो थी। स्टीरियो एस मतलब क्या हुआ कि जी आई भी हो या तो जी आई हो या ओ आई हो या दोनों जो भी अल्कोहलिक केवेज डाला है, तो या तो यहां से एच निकालो या यहां से, सब बराबर है ना? बराबर नहीं है, है? नहीं, ये डबल यहां बना लो, ये फिक्स रख के फिक्स है, यहां देखो दोनों मिरर इमेज है, पर ठीक है हमारा स्टीरियो तो हो गया। कैन नॉट शो लिखा है तो ये स्टीरियो करेगा, दोनों से मिरर में इनेंशियो में मिलेगा, रेसमिक मिक्सर मिलेगा। इस वाले की बात करें तो इस वाले में आप लोग शायद भूल गए होंगे, पर मैं नहीं भूलता आपको, मैं कहता इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, इट्स अ कायरल कंपाउंड विदाउट कायरल सेंटर, सिमेट्री नहीं आएगी। ऐसे काटोगे तो ये दोनों बच जाएंगे, ऐसे काटोगे तो मिथाइल एज बच जाएंगे, ये भी स्टीरियो कर रहा है। अल्कोहलिक केवेज मेजर प्रोडक्ट बोला गया, हाँ तो मेजर कौन सा होगा बेटा? यहां वाली हल्की जी आई कर रही है, अरे वाह, ये दोनों ओ आई कर रहे हैं, ये जी आई कर रहे हैं, ये भी आप स्टू कर रहे हैं, आंसर नहीं होगा। ये आंसर कैसे होगा? अल्कोहलिक केवेज से। अच्छा मुझे याद आया, मैंने आपको एक सवाल दिया था, आपने उसका आंसर लिखा था, मैं भूल गया था मैंने कौन सा सवाल दिया इनको, मैंने अभी याद आया आपको, मैंने एक सवाल दिया था ये कि अल्कोहलिक केवेज से क्या बनेगा। तो आप में से कई लोगों ने आंसर लिखा था 2-chlorobutene या 1-chlorobutene। आपको मैंने एक बात क्या बताई कि KOH के द्वारा चाहे यहां से H निकालो चाहे यहां से H निकालो, अल्कीन तो सेम बन रही है, दोनों की बराबर है, सब चीजें बराबर है। हम देखते हैं उस केस में, देखते हैं डेल्टा माइनस। अब आप खुद सोचिए डेल्टा माइनस कहां स्टेबल है। व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज सेम देन रेट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ डेल्टा माइनस। तो कहां से H निकालना आसान है? यहां विड्रॉइंग, यहां विड्रॉइंग बराबर है, पर इथाइल के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहां थोड़ा सा अनस्टेबल है, H निकालना वहां से आसान है, तो H यहां से निकलेगा, लात मार के इसको बाहर, तो आंसर विल बी दिस वन। आप में से कई बच्चों ने कहा 2-chlorobutene, दैट इज रॉन्ग आंसर, द आंसर विल बी 1-chloro-1-butene या ब्यूटीन। मैंने कहा था ना तुमसे, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम इतने ढीठ हो चुके हो कि तुम्हें पता है कि अल्काइन बनाना है, तुम रट चुके हो, तो ओनली प्रॉब्लम विद यू इज तुम याद कर चुके हो, तुमने ये नहीं सोचा कौन सा एच पहले निकालते हैं। मैंने नोट्स में करवाया है, मुझे आज तक मैं कसम से बताऊं मैंने नोट्स में करवाया सवाल, याद आता है कि चेक कर लेना, मैंने कम से कम बहुत एलिमिनेशन में तो शायद अनलिमिटेड सवाल करवा रखे हैं, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड सवाल करवा रखे हैं। तो 1-chloro-1-butene करेक्ट आंसर इसमें। यहां से यहां मैं टेंशन नहीं ना, यही कारण निकाला हाँ। ये बना पहले अल्कोहलिक, ये पहले यहां तो जी आई कर रहा था, NH2 डालने के बाद क्या बन जाएगा? That's it. ये आप OI या GI नहीं कर रहा, that is correct answer. अब पता है मैं क्यों कराया सवाल, क्या पता कल केवल ये पार्ट पूछ ले एडवांस, केवल ये पार्ट पूछ ले कि कितनी हल्की बनेंगी, केवल ये पार्ट पूछ ले कि क्या कौन सी रिएक्शंस पर रेसमिक मिक्सर मिलेगा, चार अलग अलग रिएक्शन पूछ ले, ये पूछ ले, एक एडिशन की पूछ ले, एक साइनोहाइड्रिन पूछ ले, चार अलग अलग सेगमेंट से चार चीजें पूछ के स्टीरियो पूछ कर दे, तो उनके लिए तो अच्छा सवाल बन गया ना, कि आइसोमेरिज्म भी आ गया, चार रिएक्शन आ गई, ऐसे ऐसे मैं इसलिए सवाल कराता हूँ, एडवांस कुछ भी पूछ सकता है। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और वो सवाल है जहाँ तुम फंसोगे। 2019 या 2020 के एडवांस में सवाल आया था, कई सारे बच्चे फंस गए थे, ऐसा सवाल था। अब वुड रिएक्शन तो 3 carbon 6 बन जाएगा, इसमें अल्कोहलिक केवेज से पहले अल्किन बनी, NBS डालने पर BR लगा, सोडियम एंड ईथर पे 6 carbon और H2O2 दोनों रिएक्ट कर गए तो हेक्सेन बन गया, वापस से हेक्सेन बन गया, हेक्सेन यहां बन गया, यहां बन गया। जिंक HCl दिया है तो मेटल और एसिड है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, एसिड H+ देगा, इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव बना, H+ दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 NCRT हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है ये, और सोडियम ये कहीं सारे बच्चा ये भी तो हेक्सेन बनेगा ना, यहाँ बनेगा प्रोपेन, क्योंकि ये भी वही दोनों सेम रिएक्शन है, ये मेटल है ये एसिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा एंटीबॉन्डिंग पे, यहाँ बनेगा ये माइनस और ये इथेनॉल H देगा, तो आंसर विल बी प्रोपेन। अगर यहाँ ईथर होता है, ये देखो कितना फर्क है, अगर यहाँ इथेनॉल की जगह ET2O लिख दूं तो आंसर ये आ जाएगा, पर इथेनॉल ये अपन ने बता रखा है आपको, मैंने रिएक्शन नोट्स में भर भर के करवाइए, मेटल एसिड मेटल इलेक्ट्रॉन देगा एसिड H देगा, तो डेली में इथर हेक्सेन नहीं बनेगा, हेक्सेन कहाँ नहीं बनेगा? डेली वाले में,
ये मैं उम्मीद थोड़ी कम करता हूँ कि तुम लोग कर पाओ, बिकॉज इज अ एनजीपी क्वेश्चन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्वेश्चन। यस टू सी, सबसे पहले ये बना, आप में से कई लोग सही कर जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इसमें आपको मैं सिखाना चाहता हूँ। ओ के लोन पेयर देने की वजह से यहाँ डेंसिटी बहुत तगड़ी है, वो अटैक करके इस रिंग को पहले ही खोल देगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी। क्लेडन बुक का सवाल है ये, और आप इसमें बिल्कुल भी ना फंसे, कोई बात नहीं, आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, ट्रीट दिस क्वेश्चन एज ए न्यू इंफॉर्मेशन। इसके दो सवाल मैं करवाता हूँ, नोट्स में भी है, या तो ये ले लो या CF3 ले लो। तो CF3 के केस में तो ये नहीं होगा, सिंपल एडिशन होगा, क्यों सर? क्योंकि CF3 के केस में विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर डेंसिटी है ही नहीं, तो अटैक होगा ही नहीं, एनजीपी होगी नहीं, यहाँ एनजीपी होगी, दैट्स इट। ये लिया, इंटरमीडिएट भी आप लोग बना सकते हो। अबे मेहनत का खेल है, आधे लोग तो देख कर डर गए कि यार ये सब हमसे होगा कि नहीं होगा, बाकी तुम्हारी इच्छा भाई, मेरा काम तो केवल बोलना है। कुछ रीत जगत की ऐसी है हर, समझ रहे बात को? ये लिया, ऐसे अटैक हुआ तो बीआर ऊपर गया। अब जब बीआर मैंने अटैक करेगा वापस, यहां रिंग को वापस एरोमेटाइज करेगा, तो ये फिर अब आप कितनी बेहतरीन चीज है, ऐसे होना तो आपको एंटी एडिशन चाहिए था कि बीआर एक एनसीसी से बना, एक बीआर आया तो एक बीआर ऊपर एक बीआर नीचे, लेकिन एनजीपी होने के कारण क्या हुआ, इसने एनसीसी ऐसे बनाया, इसने रिंग पे अटैक किया तो बीआर ऊपर रिंग नीचे, ठीक है ट्रायंगल, फिर ऊपर से बीआर का अटैक हुआ ताकि ये रिंग खुल जाए, तो दोनों बीआर सेम साइड आ गए। ये इस क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत बात है कि इस सवाल के अंदर एनजीपी होने के कारण रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। मास्टर तो पहली बार जीवन में देख रहे हैं, कोई बात नहीं। और इसमें कई लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, कई बच्चे आपको गुमराह करेंगे, इतना टफ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है आपको, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं देखने की जरूरत है भाई, क्यों जरूरत नहीं, क्या तुम्हें एंटी नहीं करनी? ऐसे बच्चे या ऐसे कोई भी इंसान आपको ये कहता पाया जाए कि भैया ये तो बहुत टफ है, कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती तो इतना टफ रहने का कोई मतलब नहीं है, ये उन बच्चों से पूछो जो IIT कर चुके हैं। हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि तुमने अब तक IIT नहीं की है तो इस चीज को कभी ऐसे मत लो कि ये तो कर लेंगे। आप समझो उन सारे बच्चों के व्यूज देखो जो बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए हैं, कल नेवर गो विद दैट कि यार ठीक है इतना तो कर लो, सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। ये लिया, कॉन्फिगरेशन पूछा है, तो एक तो ट्रांस है, यहां प्रायोरिटी इसकी, यहां प्रायोरिटी इसकी, तो ये ट्रांस भी है। मैंने क्या, मैंने सर गलत लिख दिया, मैं भी ना कभी कभी तो सस्ती ले लेता हूं। सेम साइड आएगा, दो बार एसेंट हुई ना, पहले एक बार ये हुआ इसने अटैक किया, फिर उसने अटैक किया, दो बार हुआ तो सेम साइड हो गया। ये प्रायोरिटी दोनों सेम साइड है, ये सिस तो है ही, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, और जेड भी है, सिस भी है और जेड भी है, सिस और जेड किधर है भाई? बॉम्बे तक है ट्रांस, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये सवाल सर क्यों करवा रहे हो ये सवाल? अब तुम्हें क्या लगता होगा ये तो सर इतने को टफ सवाल आता है क्या JEE में? 2017 का पैराग्राफ देख लेना, ये वाला मौजूद ध्यान है ना बेटा, पहले उन्होंने पर्किन रिएक्शन करवाई एडवांस वालों ने, ये बनवाया, फिर उन्होंने इसमें ब्रोमीन डलवाया, ब्रोमीन डलवाने के बाद उन्होंने ये बनवाया, और फिर उन्होंने डाला KOH 200 डिग्री सेल्सियस, और ये डालते ही उनका आंसर याद होगा आपको, जय एडवांस का पैराग्राफ पहला क्वेश्चन भी यही था, एंड द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। ये कैसे हो गया मास्टर, COH कहां गया? वहां तो तुम नहीं पूछ सके, और IIT में आने के बाद पढ़ोगे क्या? क्या IIT में आने के बाद पढ़ने का 1% कोई लॉजिक है? 1% भी, 0.01% भी कोई लॉजिक है? IIT में आने के बाद पढ़ने का इतना सा भी लॉजिक नहीं है, बिकॉज एक बार आ गया उसका अब तो सब करा लेंगे ना। पहले एसिड बेस होगी, इतने हाई टेम्परेचर पर लात मार के छोटू बाहर निकलेगा, क्योंकि छोटू का निकलना बहुत फेवरेबल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज, लात मार के ब्रोमीन को बाहर। ओ मास्टर ये क्या करा दिया, pH डबल बोन CHBr फर्स्ट स्टेप में ये बना, फिर से इतने हाई टेम्परेचर पे 200 डिग्री पे फिर से बेस आएगा,
यह चलेगा लात मार के इसको बाहर, अल्काइन बन जाएगा, फिर बनेगा अल्काइन, पहले ये बनेगा। सेम केस यहां पर है K2CO3 डेल्टा, ये क्या है K2CO3 क्या होता है, KOH तो है, KOH डेल्टा पूछा है, पहले एसिड बेस होगा, लात मार के छोटू और एंटी एडिशन सॉरी एंटी पोजिशन पर दिए ही से लिए कि नेगेटिव बनेगा, एंटी बॉन्डिंग पे लात मार के ब्रोमीन को बाहर, आंसर विल बी साइक्लोहेक्सीन। क्या आपको समझ, बिल्कुल सेम स्टेप। अगर ये ब्रोमीन नहीं होता, मान लो ब्रोमीन नहीं है ये, तो क्या हुआ, वो यही तो हुआ होगा, लात मारी नेगेटिव, लात मार के दिया बाहर, एक्जेक्टली यही तो बना। यहाँ पे तो मैंने वही किया है, जी एडवांस का सवाल जाके चेक कर लो ना, 2017 का पैराग्राफ, पहले परकिन के सबसे पहले बेंजीन लेकर गेटरमैन कोच करवाई, गेटरमैन कोच के बाद उसको AC2OAC होने के साथ रिएक्ट करके परकिंग करवाई, परकिंग के बाद ब्रोमीन जोड़वाया, ब्रोमीन के बाद KOH 200 डिग्री के साथ ये बनवाया, और फिर उसके अगले स्टेप में वो COE इसी कंपाउंड को ये करके यहां से क्लोज करवाया, फील्ड क्राफ्ट करवाई, 5-6 रिएक्शन एक सवाल के अंदर, वो भी लैंग्वेज की फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा था, लैंग्वेज की फॉर्म में, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद दिस वन PPP ऑन रिएक्शन विद दिस वन, हालत खराब जाती है सवालों में, इसलिए तुम कह रहे हो सब्जेक्टिव सवाल क्यों करवाऊंगा, इसीलिए करवाऊंगा, समझो यार, तुम्हारी इच्छा बाकी तुम्हें डील करने की नहीं करनी, तो आंसर सी कई सारे बच्चे क्या करेंगे एल्किन बना लो, एल्किन यहाँ बना लो, तो कोई आंसर नहीं आ रहा, बोनस कर देंगे, क्यों कर देंगे, यह आंसर जी एडवांस का सवाल बेटा आया हुआ, बाकी तुम्हारी इच्छा, ये तो अपन सुबह कर चुके हैं, I2 डालेंगे, NCC बनेगा, NaCO3 से एसिड बेस, अब क्या करें, यहां अटैक करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 की रिंग बन रही है, 100% सही भी, और केटाइन भी यही स्टेबल है, यहीं से अटैक होगा। ये सवाल इसलिए करा रहा हूं कि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है IIT माने की, इधर है भाई, जहां O है उसके बाजू वाले कार्बन पे CH2I, O है उसके बाय उल्टा लिखा हुआ है सरों ने, ये रहा जहां O है उसके बाजू में CH2I, बॉम्बे का करेक्ट आंसर। और मैं आप में से कई लोग तो ये आंसर मारे होंगे, हाँ यही जोड़ के आ रहे हैं, इंटरनल अटैक नहीं हो जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन है, इसे बोलते हैं आयोडोलेक्टोनाइजेशन, भाई जेई मेन पूछने लगा आजकल ये सब चीजें, तो कल अपन ने किया था उसी का एक और आप ये सवाल आप दोबारा क्यों लाए सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बार बार प्रैक्टिस करो, प्यास लगने लगी है बहुत ज्यादा, बी आर BR वैसे देखो खुद देख लो, ये मिरर इमेज है, तो ये डाइस्टीरियोमर नहीं, दे आर इनेंशियोमर, नॉट ऑप्टेंड ना, यस नॉट ऑप्टेंड, यहां 100% डाइस्टीरियोमर आएगा, बना के चेक कर लो, डाइस्टीरियोमर यहां पर 100% डाइस्टीरियोमर, क्यों सर, ये फिक्स है, बीआर ऊपर CH2 नीचे, CH2 ऊपर बीआर नीचे, डाइस्टीरियोमर बनेंगे GI वाले, इत्तेफाक देखो यहां GI वाले डाइस्टीरियोमर से OI भी हो रहा है, आंसर में ये भी नहीं है, यहां पर दोनों सेम ही है, ये भी यहां डाइस्टीरियोमर, केवल आगरा इज द करेक्ट आंसर, जहां पर डाइस्टीरियोमर नहीं मिलेगा। MG था, कई बच्चे डॉट डॉट जोड़ दो, सही बात है, पर इन स्टीरियो की मस्ती आ रहे हैं मास्टर, एक तो आप ये हर जगह स्टीरियो क्यों क्यों गुजर देते हो बेटा, मजा ही उसी का, एक काम करो सर कैसे करते हैं इन सवालों को, आपको भी पता है कि अगर आपको ये कार्बन और ये कार्बन जोड़ना है तो अपोजिट साइड में नहीं चाहिए, दे मस्ट बी ऑन सेम साइड, तो रोटेट दिस कार्बन ऐसे, ये वेज में फिक्स है, इसको घुमाओगे तो डैश में आ जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट इन दोनों को जोड़ दो, वेज डैश जोड़, ये आपका आंसर है, देख लो दोनों वेज नहीं मिलेंगे, एक रिंग कहां से मिल जाएगी, कार्बन ही चार है, अब इन दोनों में कौन सा मारे सर, आप खुद देखो,
ये दोनों तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ना भाई, इसको एक काम करो 180 पलट दो ऐसे तो ये मिल जाएगा ना, या इसको 180 घुमा लो ऐसे तो ये मिल जाएगा, ये तो करेक्ट आंसर। कई सारे बच्चे तो, अरे ये तो क्या है सवाल, पर देख लो तुम्हारी हालत देख लो, कई सारे बच्चे वेज वेज देख के वेज सेम रहेंगे। अरे भाई फिशर बनाने के लिए तो घुमाना पड़ेगा ना भाई, इनको जोड़ना तो ऐसे करना पड़ेगा तब जाके जुड़ेंगे ये, एक इधर एक उधर थोड़ी जुड़ जाएगा, कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर स्टीरियो का ध्यान रखें, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो NaI एसीटोन डी हैलोजन, सर क्या ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, NCERT में दी हुई है जिंक के साथ, तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल है, इट्स अ डी हैलोजनेशन रिएक्शन, X2 को बाहर निकालना है, एग्जांपल ऑफ E2 रिएक्शन, सो इट्स एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। तो Cl एंड Cl मस्ट बी ऑन अपोजिट साइड, आपको मैंने बिना सॉल्व किए, बिना किसी न्यूमेन बनाए, बिना किसी सोहर्स बनाए का, तो डायरेक्ट करना कैसे सिखाया, Cl अपोजिट साइड में होने चाहिए, पर दोनों के दोनों सेम साइड है तो इसको घुमाना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज करना पड़ेगा, इवन एक्सचेंज करोगे तो फिर फिनाइल और मिथाइल सेम साइड नहीं रहेंगे, तो फिर अपोजिट साइड बना दो, खत्म बात, दोनों एच है, दैट्स इट। ट्रांस अल्किन, हाँ ट्रांस मिल रही है यहाँ पर, ट्रांस मिल गई, यहाँ करोगे ये और ये तो सिंपल अल्किन बन जाएगी, ना सिस से ना ट्रांस से, ये कुछ नहीं है, ये ट्रांस नहीं बनेगा, आई और आई दोनों वेज में है तो घुमाना पड़ेगा, ट्रांस बन जाएगी, यहां पे कैसे करें सर, तो इसको इसको अपोजिट ले आओ ना मेरे भाई, इसको अपोजिट ले आओ ना, इसको यहां ले आओ 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे यहां लाओगे तो Cl अपोजिट आ गए, लेकिन मिथाइल और इथाइल भी अपोजिट आ गई, अपोजिट का मतलब क्या होगा, ट्रांस हो गया, केवल बॉम्बे ऐसा है जहां ट्रांस वाला नहीं बनेगा, बाकी तीनों जगह ट्रांस अल्किन बन रही है, तीनों में अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, फिशर वेजडेश न्यूमैन, कह रहा हूं ना आपको स्टीरियो के साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओलंपियाड में 3 बार आया है तो जेई में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, अब करते हैं अभ्यास रिव्यू। PH3I इसके साथ, मतलब इनमें से कौन रिएक्ट करे PH3I के साथ, हाईएस्ट रेट आएगी, न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो, तो इन चारों में न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है, लोन पेयर, इन चारों में सबसे जीओसी का सवाल है, मुझे आज भी ध्यान है, जीओसी में करा रखा है मैंने, जाके चेक कर लेना बेसिक स्ट्रेंथ में, इन चारों में सबसे वाहिया डी वाला है, डी वाले की रेट सबसे कम है, बिकॉज डी वाले में याद हो मैंने बताया था कि थ्री मेंबर में बाहर वाली बोन्स में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज बेंड करते वक्त वो पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो EN बढ़ जाती है, तो मोर EN लेस डेनोटिक टेंडेंसी। अब बचे ये 3 लोग, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा फ्लिपिंग का, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, फ्लिपिंग का यहां पे ये फ्लिप करता रहेगा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रिंग वालों के कंपेयर में थोड़ी सी कम होगी। अब इन दोनों में कौन अच्छा होगा, इन दोनों में डिफरेंस किस बात का है, केवल एक नाइट्रोजन का तो फर्क है, तो ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पे क्या कर रहा होगा, तो ये इसको विथड्रॉ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा होगा माइनस आई की वजह से, इस वजह से यहाँ डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, सो मच बेटर बॉम्बे वाला होगा, फिर कलकत्ता वाला होगा, फिर आगरा होगा, फिर दिल्ली होगा, रीजन भी बताया कि कैसे चेक करना है, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दैट पार्ट, इससे ज्यादा अपेक्षा मत करो, और आपको याद है जीओसी के पन्ने पलट लेना, सेम क्वेश्चन दोबारा का सेम। टू मिथोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन टू पे मिथोक्सी OMe, ओके कहां पे ऑब्टेन हो जाएगा एज ए मेजर, सोडियम डाला है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH3O- और हाफ मोल H2 बाहर, ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका बेस तैयार हो गया, अब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, SN2 नहीं करेगा मेजर, ये माइनर होगा, अभी बताया था ये बेस है, तो ये E2 विल बी शो मेजर प्रोडक्ट, तो यहां ये मेजर नहीं बनेगा, मेजर विल बी प्रोपीन,
ट्रॉपी विल बी मेजर, सो ए विल नॉट बी द आंसर. फिर से सोडियम नेगेटिव बनाएगा, लात मार के इसको बाहर. पहले स्टेप में बनेगा प्रोपेनॉल प्लस मेथनॉल, ये मेथॉक्साइड आयन CH3OH, तो आंसर विल बी OH OCSA एडिशन ऑफ अल्कोहल, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये बन जाएगा इटल. यहां टू मिथॉक्सी प्रोपेन तो नहीं बनेगा. सोडियम डाला है वो मैंने, इसका शानदार SN2. तो अब आप समझ रहे हो ये विलियमसन इथर का ही टाइप है, और वही पूछने की कोशिश भी की है कि विलियमसन इथर में मुझे ये इथर बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं इस वाले का O- लेता, इसका X लेता, यही काम मैंने किया है. इस वाले का O- इसका X, यही तो किया. इसमें उल्टा किया, इसका O- इसका X, तो वहां मेजर E2 आ गया. इन दोनों सवालों में यही तो बेकार हो गया, कुछ भी काम करें. ये सवाल सिंपल SN1 रिएक्शन है, SN1 में ये प्लस बनेगा, फिर OMe का टेक, तो जी हाँ मेजर यही बनेगा 2-methoxypropane. तो कलकत्ता दिल्ली ऐसी रिएक्शन से जहां पर मेजर आंसर विल बी बेस्ट. और अगर मुझसे कोई पूछ ले बेस्ट यील्ड कहां आएगी इन चारों में, मैं बोलता ये वाला, क्योंकि यहां पे और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. यहां पे फिर भी मैं बोल सकता हूं कि इवन हो सकता है, टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा, यहां तो प्योर यही होना है. टीबीओ के देखो आ गया सवाल, टीबीओ के माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इससे हमें देखना होता है कि डेल्टा माइनस की स्टेबिलिटी कहां बेटर है. तो इस तरफ रेजोनेंस के कारण ये इधर ये इधर इवन सीबी लाइक रिएक्शन, इवन सीबी नहीं इवन सीबी लाइक रिएक्शन, दैट्स इट. ये आपका मेजर आंसर है. अब थिंक सर ये हॉफमैन या सेडजेफ है. और सर रेजोनेंस कर रहा है, हमने तो पढ़ा, हमने तो हमारे हम बच्चे हैं, हमें तो ये पता है कि मोर स्टेबल आपका सेडजेफ. चपेटे मारूंगा गंदे वाले. पहले सभी लोग सभी बच्चे यही बोला करते थे, धीरे धीरे चेंज हो गए, अब बोलते हैं मोर ब्रांच लेस ब्रांच. अगर यहां डबल होती, फॉर एग्जांपल लेते हैं ना बेटा, यहां डबल होती तो ये दोनों ब्रांच है, एक ब्रांच है, केवल एक ही साइड एच है, ये वाली सेडजेफ है, यहां दो ही साइड चेन्स मतलब दो ही सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये आपकी हॉफमैन है. ओ भाई कई सारे बच्चे सर हमने तो इसको देख के बोल दिया हॉफमैन आएगा, गलत. अगर मैं यहां केवेज भी ले लूंगा ना अल्कोहलिक केवेज तो भी यही आंसर है. इधर वाला आंसर रेजोनेंस वाला और हॉफमैन कलकत्ता. इसमें कितनी एल्किन बनेगी, कहां कहां बनेगी, तो सबसे पहले एलिमिनेशन हम BR तीन जगह है, यहां से यहां से यहां से, तो यहां यहां तो सेम है नहीं, आपको मैंने अभी बताया, कभी भी सेम ना माने पहले बना ले फिर चेक करें कि सेम है क्या लगे, ठीक है. डबल डबल डबल, ठीक है. अब आपसे पूछा है क्या दोनों सेम है, नहीं, दे आर मेजर प्रोडक्ट, दे आर इनेंशियोमर्स, तो तीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेंगे, यस सर. फोर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेंड, टू इनेंशियोमेरिक पेयर, दो पेयर का एक पेयर मिलेगा और एक सिंपल मिलेगा. ओनली आगरा इज करेक्ट, एक पेयर मिलेगा, वन इनेंशियोमेरिक पेयर, समझे. मजा आएगा आप लोगों को. AgCN फिर से वही पूछा, तुम जान बुझ के KCN AgCN, तो भैया सी अटैक करेगी एन सर, एन अटैक करेगा सी एन में, सी एन एसी एन में करता हो हाइड्रोलिसिस करवाया. ओ भाई RNC का हाइड्रोलिसिस, तो क्लियर कट आपको पता है CH3CH2NH2 और बनेगा ये कार्बन विल कन्वर्ट टू द फॉर्मिक एसिड. इधर है भाई बॉम्बे कलकत्ता सुना बेटा, यही KCN होता तो आंसर आगरा आता, CH3CH2COH KCN होता तो.
सीएन लगता फिर आईएलएस में सीएन बनता। हाँ 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 तगड़ा। अच्छा यहाँ पे डबल कोण बना लो और फॉर्मली हेड है बेटा, है ना। सिक्स मोल्स ऑफ एजी अपन ने किया है नोट्स में, सवाल ये डॉट 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 बनाना है। छह मोल एजीसीएल सोडियम एंड लिक्विड, हम देखो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, फिर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन तिरान सल्किन ब्रोमीन सीसीएल फोर मीजो एनएस्टोन फिर सल्किन बन जाएगी टिरांस। अब देखो ये सारी एक दो तीन चार, ये चारों रिएक्शन हाइड्रोकार्बन की है। पर आप तो हेलोजन पढ़ा रहे हो तो सब पढ़ा रहा हूं भाई मैं फिर से। ओएमडीएम ये रिएक्शन आपका सर, ये हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोन में। अल्कोहल और एल्डिहाइड दिख के एक ही रिएक्शन में आती है कि ओ का टेक ऑन एचसीएचओ, ये आया आपका एसिटल एमिनेस्टर बनाने की प्रक्रिया। स्टेबल इन अल्कली बेसिक मीडियम में स्टेबल है, इसका मतलब हमें रिएक्शन कहां रोकनी है, हमें रिएक्शन रोकनी है एसिटल बना के ताकि वो बेस रिएक्ट ना कर सके। अगर हमने पहले स्टेप में ये होगा बेटा कट एक बना ओ एच, ये बन जाएगा ओ ये, पर बेसिक मीडियम में बेस आके एच निकालेगा लात मार के बाहर, हम बोले स्टेबल है वो, मतलब हमें एक स्टेप और आगे करना है दैट विल बी योर एसिटल। ठीक है, यू के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है यू के में, ये सेंटर कारल है, लेकिन लेकिन सिमेट्री आ सकती है तो आर आर एस एस आर एस थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। आर आर एस एस आर एस ऐसे जाओ, ऐसे बात बराबर है, चेक कर लियो भाई। तो कंपाउंड विच आर नॉट कायल सेंटर, किसमें कायल सेंटर नहीं है, क्यू आर टी यू, क्यू किधर भाई, क्यू में कायल सेंटर नहीं है, नहीं है, आर में है, टी में है, यू में है, तो केवल क्यू में नहीं है, आर में है, टी में है, यू में है, क्या है इनमें नहीं है, क्यू में नहीं है, आर में है, टी में है, यू में है, यू में दो सेंटर कायल है, टी में एक कायल है, आर में दो कायल है, समझ गए भाई लोग, आगे चलते हैं। ये बताओ अब ऐसे सवालों को करने के लिए कभी भी एक बात बोलूं, इसको बिल्कुल मत देखो, देखो ही मत कि ये क्या दे रखा है, हिंट भी लेने की कोशिश मत, अपना दिमाग लगाओ, अरे ये से ये बनाना है, एक दो दिमाग लगाओ अपने, इसको मत देखो प्लीज मत देखो, एक दो तीन चार पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच छ सात, कितनी अजीब बात है कि ये पांच कार्बन तो चीजें सेम है, दो कार्बन बढ़ा है पहले तो पहली बात तो ये एच एसिडिक है तो मुझे पता है कि इस एच को निकाल के दो कार्बन बढ़ाने हैं, एक ही तरीका है, बेस डालो पहली स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में बेस डालो और डाल दो ईटीआई, तो मेरा पहली स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इसलिए ये ऐसे बनाना ही गलत है, ट्रिपल बॉन्ड वैसे कोई बनाता ही नहीं है ये, और ये बनाने के बाद अब मेरे को दो OH लगाने हैं, दो OH कैसे लगा सकता हूं सेम साइड बेस रिएजेंट, लेकिन उसके लिए मुझे अल्काइन को क्या बदलना पड़ेगा अल्कीन में, और वो भी किस में, सिस अल्कीन में, तो मैं डाल दूंगा या तो बर्च कर लो या वो कर लो अपना हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इन्होंने सिस ट्रांसफर दिया नहीं वैसे, तो सेकंड में हम डालेंगे और बर्च, तीसरे में या तो बेयर्स यूज कर लो या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज कर लो या एमसीपी में डाल लो, जो भी डालना कर लो, अब देख लो एचबीआर ओजोनलेस से कुछ नहीं हो रहा, एनएनएच टू यस ईटीआई बिल्कुल
फर्स्ट स्टेप परफेक्ट है। सेकेंड स्टेप में लिंडार कैटलिस्ट H2, तो अल्काइन से अल्कीन बनाया हाइड्रोजनेशन, ओस्मियम टेट्रोक्साइड बिल्कुल परफेक्ट। सर ये NH एच2 का क्या काम है? जो ओस्मियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको तोड़ने में। H2PD अल्केन बन गया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं, आगे कुछ होगा ही नहीं। खुसरो रिएक्शन लिंडार से अल्कोहल, कुछ मतलब नहीं। मैं आपको ये इस सवाल से क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को इस सवाल से यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज है ना छिन्न भिन्न मत होइए यार, ये देखा ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे ये होगा तो ये हो जाएगा, नहीं। कन्वर्जन जब जितने भी सवाल आए कन्वर्जन के पैराग्राफ वाले, उनको पहले खुद से सॉल्व करें। कोई ऑप्शन मत देखिएगा कि मैच कर लेता हूं जल्दी कर लेता हूं, मत करना, सोचना पहले, है ना। अगला सवाल भी ऐसा ही है, प्लीज इसको मत देखो, सोचो कि तीन स्टेप में कन्वर्ट करना है। सेम सवाल है। अब हमें पता है कि यहां पर हमें ऐसा रीजन डालना पड़ेगा जो तीन कार्बन बढ़ा दे एक साथ, देखो तीन तो है ही, पर वुड्स दिमाग में आ रहा है, ठीक है, पर वुड्स के बाद फिर दो OH कैसे लाओगे? Br2H नहीं करोगे, अल्कीन बनाओगे, एक वो तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब क्या करें? सोच रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं, मैं आपके साथ ही सोच रहा हूं। Br2H इससे थोड़ा सा गलत हो जाता है कि यार वो फिर यहां भी तो लग सकता है, यहां लगेगा मेजर, यहां क्यों लगाएंगे? ठीक है, बनाना है तो जबरदस्ती बना सकते हैं, E2 माइनस डेल्टा और फिर केम नफर, दोनों सेम साइड है, नहीं ये ट्रांस अल्किन बन जाएगी, यहां तो अल्किन तो बनेगा ही नहीं, हमें मीजो चाहिए ना, मीजो। तो एक चीज तो तय है कि तीसरा रीजन तो केमनो बेयर्स है या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, और ये अल्कीन है। अब यहां क्या करें? तो एक तरीका है सीधा सीधा भाई, जो अपन ने पहले किया कि यहां अल्काइन डाल दो तीन कार्बन की, H3 H2 तीन कार्बन की, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, बैक दूसरे में कर दो H2PdBSO4 अल्कीन बन गई, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, दैट्स इट, परफेक्ट हो गया। ऐसे करते हैं, सोचो ना, ये को लिखा ना एसिटिलीन के साथ NaNH2, ये एसिटिलीन नहीं, दो कार्बन नहीं तीन कार्बन चाहिए, एसिटिलीन नहीं, पेंटाइन नहीं, तो मिस्टेक क्या, ओ मुझसे मिस्टेक हुई, सॉरी, यहाँ तीन ही कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए, तो पेंटाइन चाहिए होगी, पेंटाइन, मैं भी ना कभी कभी ये पेंटाइन, ये MnF4 ना पेंटाइन, H2 लिंडार कैटलिस्ट, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, बिल्कुल परफेक्ट। लॉजिकल एक्सपेक्ट समझ गए कि पहले अल्काइन बनवाया, अल्कीन में कन्वर्ट किया और केमन फोर से सीधा एडिशन कर दिया इलेक्ट्रॉन एडिशन। मान लो मुझे एक तरीका और कर सकता हूं मैं, अब यहां एक तरीका और कर सकता हूं, क्या कि मैं H2 लिंडार ना करके बच करवा दूंगा तो ट्रांस बन जाएगी, ट्रांस पे मैं अब वो डाल दूंगा MCPBA देने हाइड्रोलिसिस, तो ट्रांस पे एंटी वापस अमीजो बन जाएगा। तो एक तरीका और क्या है कि ट्रांस बनवा के बच करवा के पर एसिड से काम करवा लो, वो भी एक तरीका है। बढ़िया सवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपेन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन सनलाइट। नहीं, ये बात सही है, कई हद तक सही है, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करती है, लेकिन मेजर और माइनर की बात नहीं किया, तो इस स्टेटमेंट को अधूरा मानूंगा। हाँ ये बात सही है, आई एग्री करता हूँ, आई एग्री, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, बिकॉज बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, पाई बॉन्ड टूट के सिग्मा बन जाएगी, रिंग इंस्टेंट करता हूँ, बट लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, मेजर की माइनर लिखा नहीं है। इन जनरल ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रिएक्टिव कम है तो सेलेक्ट ज्यादा करेगा। तो 2,4-C ट्राइटरब्यूटाइल फिनॉक्सी, ये क्या लिखा है सर, फिनॉक्सी क्या होता है पहले तो, रेडिकल ये रहा, 2,4-6 ट्राइटरब्यूटाइल, नोट्स में कराया, मुझे याद आ रहा है कि ये डाइमराइज नहीं करता, क्योंकि तो कहीं डाइमराइज होने का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसको एज ए फूड प्रिंसिपल, मैंने आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका कलर सब बता रखा है, ब्लू कलर का होता है, मेहनत जगह मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, बिकॉज ये डाइमराइज नहीं कर सकता, इज रेजिस्टेंट टू डाइमराइजेशन, बिल्कुल सही बात, इसे इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं।
तो रेडिकल कैटलाइज क्लोरीनेशन ऑफ दिस वन से ये बने, ये फास्ट होगा जब AR, ये AR फिनाइल होगा, मतलब अगर मैंने टोल्यून लिया तो टोल्यून की रेट ज्यादा होगी और पैरानाइट्रोफिनाइल लिया, नहीं नहीं ये गलत है आगे पीछे तो हाँ सही तो है, क्लास में इतनी रामायण कर ली कि NO2 के लगने से रेडिकल की रेट और ज्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है और फ्री रेडिकल को विड्रॉइंग ग्रुप भी रेट बढ़ाते हैं और डोनेटिंग ग्रुप भी, तो यहाँ रेडिकल काफी स्टेबल है, रेडिकल स्टेबल है इस वजह से रेट इसकी फास्ट होगी, इसका हैलोजिनेशन बहुत फास्ट होगा, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, तो आंसर विल बी आगरा बॉम्बे कलकत्ता, समझ में आया कि ये इसकी रेट फास्ट होगी NO2, यार डोनेटिंग लगाओ विड्रॉइंग लगाओ दोनों केस में इसकी रेट फास्ट होगी, बिकॉज रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत तगड़ी होती है दोनों के केस में, प्लस आर माइनस आर इसमें तुम्हें मजा आया होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, आसान सवाल है, ब्रोमीन जोड़ा एक बी आर ऊपर एक बी आर नीचे, नीचे ऊपर प्लस मिरर इमेज, ठीक है नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, ये सही है, हाँ सही है, HBO इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव जुड़, अच्छा ध्यान सुनो इसको मत देखो, एंटी मार्कोनिकोव सिन एडिशन, तो H और OH सेम साइड, पहली बात OH कहाँ लगेगा नीचे की साइड, अगर इसको डैश में माना तो HB डैश में होगा तो मिथाइल वेज में होगा, चलो तो यही दिया क्या, हाँ बिल्कुल सही दिया, और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, OMDM कैसे भी बना लो, बस यहाँ OH लगेगा, ये गलत है, एंटी मार्कोनिक लगा दिया, मार्कोनिकोव लगेगा, ब्रोमीन वाटर में OH कहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, BR यहाँ आएगा, दोनों अपोजिट होंगे, हाँ OH यहाँ आया, पहली चीज ये चेक की, दूसरी बात अब BR इसका अपोजिट है कि नहीं, डैश भेज, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये तीनों सही है, तो और उसकी मिरर इमेज भी बनेगी सबकी, तो आगरा बॉम्बे दिल्ली, ये तीनों एग्जैक्टली परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैं छूट गया मेरे से, अगले अब अगला तीन क्वेश्चन का एक पैराग्राफ है एंड देन एक आपका मैट्रिक्स है, बस देखते हैं एक पैराग्राफ और करेंगे, एक इंटीजर करेंगे, सवाल तो काफी सारे लाया हूँ, तो 60 सवाल है, मतलब पांच सवाल और करेंगे, दैट्स इट, ये लिया कल के भी मिक्स है इसमें, ऐसा नहीं मतलब एक पीडीएफ लाया कि बाद में जोड़ जोड़ेंगे, कल यूज कर लूंगा, CH3 CH2 गिगिनाइड फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स कार्बन है, ETCH2 भाई साहब, एक दो तीन कार्बन, तीन यहां, तीन ये, तो यहां पे OH, H3PO4 डेल्टा टीरान सल्किन प्लस बना रियंस हो जाएगा, ट्रांस आएगा माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस डी, एक इधर एक तरफ मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, एमी यार प्लस मिरर इमेज, ब्रोमीन CCl4 सेम माइनस माइनस प्लस, दोनों बी आर सेम साइड, एमी या प्लस मिरर इमेज, ठीक है ये लिया डिग्नार्ड, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी तो पहले प्रोपेन निकलेगा, दिखा हुआ प्रोपेन, ये बना आपका एमी सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एस अटैक, तो ये बना आपका एमी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एमी एस टू पी डी बी एस ओ फोर, अच्छा पी डी बी एस ओ फोर एस टू लिखा हुआ है, एस टू पी डी बी एस ओ फोर सिस अल्किन बनेगी, सिस पे ओजोनलाइसिस किया, ये बना आपका CH3CHO दो मोल, और ये बना आपका माइनस 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 सॉरी प्लस माइनस माइनस, आप लोग सॉल्व करना, प्लस मिरर इमेज, ठीक है बाद में चेक करेंगे, बी क्या है बी 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 इसको हम चेक करेंगे बाद में,
पहले दो सौ पहले क्या है बी क्या है बी बी किधर है भाई बी वो रहा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स थ्री हेक्सेनॉल टू हेक्सेनॉल थ्री हेक्सेनॉल जे क्या है जे जे बी आर बी आर अपोजिट एमई एमई मतलब एमई बी आर बी आर अपोजिट आएंगे यस 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 मल्टीपल हुआ तो तीनों आंसर होंगे सिंगल है तो बोथ बी एन सी डेली आंसर होगा आई नो जगह बताओ एक्स इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ डब्ल्यू विच इज नेक्स्ट हब W का फंक्शनल आइसोमर जो कि I का नेक्स्ट होमोलोग है भाई मेरे I क्या है यार CH3CHO का नेक्स्ट होमोलोग मेरी बात तो लिख लेता हूं यार I क्या है तो ये यहीं पे ध्यान रहे बार पर देखना पड़ता पीछे W क्या है तो W है ही नहीं ठीक है W क्या है इसका नेक्स्ट होमोलोग तो वो हुआ CH3CH2CHO और इसका फंक्शनल आइसोमर तो एक ही पॉसिबल अच्छा फंक्शनल आइसोमर अब एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है ना यार पर ठीक है MgHg देख कर समझ में आ रहा है कि भैया ये रहा होगा एसीटोन एसीटोन का MgHg करोगे तो Mg इलेक्ट्रॉन देगा डॉट डॉट बनेगा पिनाकोल फॉर्मेशन तो पहली स्टेप में आपका बनेगा वैसे बहुत कम काम की रिएक्शन है जेई में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं ये तो डाला एस्ट्रोसोफोर तो पिनाकोल टू पिनाकोल एक हटा प्लस बना मिथाइल शिफ्ट ये आपका बना डबल बॉन्ड ओ कोई बात नहीं ये आप छोड़ सकते हैं सवाल क्या पूछा है जेड क्या होगा पिनाकोल टू पिनाकोल ओ भाई साहब हाइड्रोकार्बन का सवाल है क्लियर कट दिखा आपको बर्च बी आर टू बर्च बी टू हाइड्रोजनेशन बर्च ओजोनलेसिस हाइड्रोकार्बन रेसमिक मीजो ऑप्टिकल रोटेशन असिमेट्रिक कार्बन स्टीरियो के साथ मिक्स करके आजकल क्या करते हैं इस पर कोड देते हैं मैंने कोड देना बंद कर दिया कोड बहुत कम में देता हूं मैं कोड से तुम आंसर ले आते हो एक सोल्व करके सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन ट्रांस पे एंटी मीजो आएगा माइनस माइनस प्लस ठीक है ट्रांस माइनस प्लस माइनस तो रेसमिक मिक्सचर आएगा H2PdBSO4 ये एल्किन तो सेम रहेगी ये सिस बन जाएगी मजा आता अगर ये भी सिस होते तो मजा आता ठीक है चलो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डायरेक्ट कैसे करते थे ये भी डोनेटिंग ये भी डोनेटिंग इसके पास में एल्किन रहेगी एल्किन यहां एमी ये क्या मेटल क्या है जिंक O3-1 इक्विवेलेंट एक ओजोनलेसिस एक कौन पहले रिएक्ट करता है इसमें डेंसिटी ज्यादा हो पहले ये वाली बोन टूटेगी आप समझो इस सवाल के जरिए कुछ चीज सिखाई भी है आपको ध्यान रखना है इसको तोड़े ये दिया अब आपसे क्या पूछा है आओ चेक कर अब मुझे याद नहीं है अब मैं चेक करते आराम से फाइनल प्रोडक्ट रिएक्शन इज रेसमिक मिक्सचर रेसमिक कहां मिला पी वाले में मीजो क्यू वाले में नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज जीरो ये जीरो रेसमिक का भी जीरो इसका एक्टिव है इसका भी जीरो तो R यहां पे भी आएगा यहां पे भी आएगा यहां पे भी आएगा नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट नॉन जीरो केवल इस वाले में आएगा यस फाइनल प्रोडक्ट हैज वन असिमेट्रिक कार्बन का सेंटर नहीं है सॉरी इसमें है इसमें भी है इसमें भी है इसमें नहीं है ये तीनों में आएगा क्यू आर टी
PRT ST, कितना बेहतरीन सवाल है। QRT PRT ST, मजा आया, कुछ बहुत बेहतरीन सा नॉलेज लेके गए यहाँ से। आई होप आपको अच्छा फील आ रहा हो, पूरी उम्मीद है मुझे। और करना है क्या सवाल, और करोगे क्या? चलो दो सवाल और करते हैं। तीन सवाल और करते हैं, चलो एक तीनों लगातार सवाल करते हैं, बाकी सवाल कल करेंगे बस। सर हम घर तक करके आएंगे। चलो कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? अब ठीक है, ट्राई करके आना है, नहीं हुए रोना मत भाई, गोली मार दूंगा। मम्मी मुझे सर ने बहुत मारा। ठीक है, ये मैं आपको अभी करा रहा हूं, ये मैं आपको अभी करा रहा हूं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, 11, 12, 13, 14 सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? कल इनको सबसे पहले इनको डिस्कस करूंगा, फिर आगे के 33 सवाल कराऊंगा। आज भी हमने बहुत सारे सवाल कर लिया, तो ये 30 ऊपर सवाल कर लिए हैं, ठीक है? आ जाओ, फॉर द गिवन सीक्वेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्लाह 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 ब्लाह। ये स्टेबल कंफर्मेशन कैसे आ जाता है बार बार? HS पूरा आपका आ गया, GOC ISO कंफर्मेशन, GOC ऑप्टिकल कंफर्मेशन, प्लस एंड माइनस 1-2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अच्छा, इसकी मतलब रेसमिक फॉर्म लिए, मतलब फिक्स फॉर्म नहीं लिए, कोई भी लिए। सोडियम इन इथर, प्रोपीन, NBS BR, NN इथर, शी कार्बन, HBr, ROR, एंटी मार्कोनिक ऑफ, 6 कार्बन में एक इथे, एक इथे, सोडियम इन इथर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की रिंग, साइक्लोहेक्जेन, HBr, ROR, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कराची पैक, सोडियम इन ब्यूटाइट हेक्सेन, समझ गए? HBr2, अच्छा दो रिएक्शन, दो मोल डाले हैं, एक Br यहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एक Br यहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सोडियम एंड इथर तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 की रिंग बनी, 4 की रिंग में 2 मिथाइल, आय हाय 2-3 बनेंगे, वेज RR SF RS, तो तीन आंसर क्या हुआ बेटा? वेज, कौन सा डैश, ये हमें नहीं पता, तीन हमें पता है कि भैया कोई इनमें से एक GA, एक HA का ही है, ठीक है? क्या पूछा है? स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ जे किधर है? ये वाला, इस वाली बॉन्ड के अबाउट देखने की जरूरत नहीं, स्ट्राइगर्ड, इस वाली बॉन्ड में तीनों लोन पेयर है स्ट्राइगर्ड, इस वाली बॉन्ड में यस गॉच एंटी पॉसिबल है, कितने बनेंगे? 3, तो x=3। वाई इज द टोटल हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ऑफ A, ये 3 अल्फा H है, वाई भी 3 है, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड फ्रॉम A to K, ए से लेके के तक में कितने मीजो कंपाउंड बने होंगे? कहे मीजो है? नहीं, यहां बने होंगे, ये सेंटर कारल है, ये सेंटर कारल है, ये मीजो है, यहां पे एक मीजो बनेगा RS वाला, तब ये और ये मतलब हमें ना, तब सिमेट्री आएगी, इसमें 2 मीजो बने हैं। आप पूछे टोटल मीजो कितने हो बेटा? 3 + 3/2, 6/2, 3 + 2. The correct answer of the question will be, I hope you enjoyed the question. ये मैं बहुत पसंदीदा सवाल है, बहुत पसंदीदा सवाल है मेरा ये, बहुत मजा आता है सवाल कराने में। एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है सवाल को, पहले आपको निकालना है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे नहीं पता कि ये SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है कि कौन सी रिएक्शन है, तो अब मुझे इसको समझ में तो देख के आ रहा है कि है SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है,
पर वन है कि टू है मुझे नहीं पता, उसके डाटा दिया हुआ है कि अगर आर एक्स की देखो अगर रेट अगर एस एन वन है के इंटू आर एक्स होगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा, वन है तो, अगर वन है तो, और अगर एस एन टू है तो रेट लो विल बी के इंटू के डैश मान लो कोई आर एक्स इंटू न्यूक्लियोफाइल, ये होना चाहिए। देखते हैं आर एक्स 0.1 है, न्यूक्लियोफाइल ये है, रेट ये आई, ठीक है। आर एक्स की कंसंट्रेशन डबल की, न्यूक्लियोफाइल को सेम रखा, तो दोनों ही केसेस में रेट डबल होनी चाहिए, रेट डबल हो गई। अभी तक इस डाटा से यह समझ में नहीं आया कि एस एन वन है कि एस एन टू, दोनों केस में आर एक्स को डबल करने से कोई फायदा नहीं है, जो हमें पता लगेगा वो पता लगेगा न्यूक्लियोफाइल की टर्म में, दोनों में है। न्यूक्लियोफाइल के डबल होने या ट्रिपल होने से अगर रेट में चेंज आ रहा है मतलब एस एन टू है और नहीं आ रहा था एस एन वन है, दैट्स इट। अगले में देखो कि न्यूक्लियो आर एक्स को सेम रखा, ये कॉन्स्टेंट रखा, न्यूक्लियोफाइल को डबल किया तो रेट देखो कॉन्स्टेंट रही, जो पहले थी वो भी रही, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं कर रही, SN2 नहीं SN1 रिएक्शन है। तो पहली पार्ट से बात क्लियर हो गई कि भैया न्यूक्लियोफाइल को आप 0.3 कर लो, 1 कर लो, 5 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड नहीं कर रही। तो इसके तीन गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके तीन गुना होने से रेट तीन गुना हो जाएगी, थ्री टाइम्स। तो आंसर विल बी थ्री टाइम्स 3.9 × 10⁻², न्यूक्लियोफाइल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बोलते हैं, फॉर गिवन रेट डाटा द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3.0.1, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वुड कोज एन E2 रिएक्शन टू गिवन अल्किन, नहीं, जब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा तो E2 E1 पे कैसे कमेंट करूं। हाँ ये है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो भी हमें फर्क हीट कर दी साथ में तो बात अलग है, आर एक्स पर डिपेंड करेगा, कई सारे फैक्टर्स पर बात डिपेंड करेगी। मान लो आपने आर एक्स 100 ले लिया, आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हो तो हाँ मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वहाँ E2 होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वही बात है कि कुछ क्लियरिटी नहीं है इसमें, द डेजिग्नेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन एस एन टू गलत बात है, एस एन टू कहाँ से आई, एस एन वन आया ना अपना। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द गिवन डाटा हैज बीन हाईएस्ट फॉर 1 डिग्री ना, एस एन वन की 3 डिग्री में हाईएस्ट आएगी, इसका मतलब बॉम्बे सही है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, मस्ट नहीं है, यहां वुड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कैन कोज एन E2 बिकॉज अगर आर एक्स बल्कि मान लो ये लिया आपने 3 डिग्री, ठीक है बेटा आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया, अगर आप न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ाए जा रहे हैं तो ये बेस बन जाएगा, ये एज ए E2 की तरह काम करने लग जाएगी, रिएक्शन E2 की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए वो बात कर रहा है, समझे, वुड नहीं क्या आना चाहिए था, डिपेंड बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.039। चलो लास्ट सवाल आज का, लास्ट ये यही करूं, चलो ये वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। किस रिएक्शन में स्टीरियोकेमिकली प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब एक ही आंसर आएगा फिक्स वाला, ये नहीं कि रेसमिंग मिल गया, स्टीरियोकेमिकली प्योर का मतलब होता है कोई एक फिक्स फॉर्म मिलेगी, चाहे वेज मिलेगा डैश में जो भी मिले फिक्स मिले। तो यहां पर है, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि अल्किन यहाँ भी मिल सकती है, अल्किन यहाँ भी मिल सकती है, अल्किन बीच में ईटी के साथ भी मिल सकती है, तो यहाँ वेरिएबल अल्किन आएंगी या मोर देन वन अल्किन आएंगी, तो यहाँ पे हमें स्टीरियोकेमिकली प्योर अल्किन नहीं मिलेगी, ओनली मतलब मिक्सचर ऑफ अल्किन मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ तो उल्टा और मतलब यही वाली बात है, यहाँ पर भी बहुत सारी ये मिलेगी बहुत सारी अल्किन मिलेगी, ये E1 रिएक्शन है, ये मिथेनोलाइसिस SN1 रिएक्शन है, हीट है तो बात अलग है, यहाँ पे SN1 होगा तो दो मिलेंगे डाइस्टेरोल मिलेंगे। प्योर का इस सवाल का मतलब है कि प्योर कहाँ मिलेगा, इस वाले में NaOMe MeOH Br वेज में है तो कुछ भी कर लो, उधर तो अल्किन पॉसिबल नहीं, अल्किन नीचे ही मिलेगी, एक ओनली सिंगल अल्किन विल बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन, दैट्स इट। तो हाँ स्टीरियोकेमिकल है क्या ये, अरे यार मजा आ जाता अगर ये सवाल ऐसे पूछता, क्योंकि ये कंपाउंड स्टीरियो ही नहीं कर रहा तो स्टीरियो के मतलब प्योर हो ही नहीं, मजा आ जाता अगर ये सवाल ऐसे पूछ लेता ऐसे, तो यहां से अल्किन बनेगी नहीं, यही बनेगी तो स्टीरियो के मतलब प्योर अल्किन बनेगी, इन्होंने मिथाइल 2 देके काम कचरा कर दिया, बिकॉज यहां कुछ अल्किन में स्टीरियो ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या स्टीरियो प्योर बोलूं।
यहाँ पे 100% यहाँ पे सिन टू कराओ चाहे इवन कराओ ई टू कराओ, दोनों ही केसेस में ये आपका फिक्स ही रहना है, कोई चेंज इस पे नहीं होगा। तो यहां स्टीरियो केमिकली प्योर प्रोडक्ट मिलेगा मिलेगा, समझे ब्रो? लगभग लगभग 14 सवाल मैंने आपको बोला ही है, आपको होमवर्क में दिया है। आप मैं आप सही बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा सीखेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये सवाल है, ये तो चलो ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल है। मॉर्फिन कोकेन हीरोइन, मॉर्फिन कोकेन हीरोइन, इन तीनों के अंदर रिलेशन पूछा है मैं कि मॉर्फिन को इससे रिएक्ट कराया तो ये बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझिए कि आपको जो यही करेगा, स्ट्रक्चर दे दिया इसको ये करा कि अब एक इन चार में से कोई एक ऑप्शन होता है क्या करेगा, हटा के इनकी केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ से सवाल उठा के लैंग्वेज डाल देगा, लो रिएक्शन की रिएक्शन हो गई, सवाल का सवाल हो गया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। तो यही काम मैंने किया है और मैं इस सीरीज के अंदर और उनका वीडियो लाया ही केवल इसलिए हूं कि साला अगर जिस बच्चे ने सवाल नहीं भी किए हों, चल छठे हुए सवाल हैं तो जो अच्छे से करने, इनको मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में 10-12 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, और फिर अगला पार्ट करेंगे अल्कोहल इथर का। तो ईमानदारी से प्लीज इसको ट्राई कर लीजिएगा, लगभग 10 से 15 सवाल हैं और बहुत ईमानदारी से कोशिश कीजिएगा। सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं, जो क्लास में किए हैं वो भी बहुत अच्छे लेवल के, लगभग 35 से 40 सवाल कर लिए हैं और इससे ज़्यादा सवाल करने भी नहीं चाहिए इस समय। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो 50 कर लेते हैं 100 कर लेते हैं, कोई सेंस नहीं है, ये बुक कर लूँ वो बुक कर लूँ, मत करो। नहीं किए हैं सवाल तो ये कर लो और कन्वर्जन कर लो, ये कर लिए हैं तो कन्वर्जन कर लो, दैट्स इट। ठीक है, आज्ञा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।